मैं हूं गजेंद्र सिंह राजपुरोहित। आज हम बालोतरा जिला के शिवाणा उपखंड के एक छोटे से गांव गुड़ानाड़ में पहुंचे हैं। आज हम क्यों आए हैं इसको लेकर के चर्चाएं करेंगे। शिवाणा बाड़मेर जिले का एक कश्मीर कहा जाता था। पहले तो बाड़मेर जिला के अधीनस्थ था शिवाणा, लेकिन अभी बालोतरा जिला बन गया है, इसलिए बालोतरा जिला का उपखंड है ये शिवाणा। और इस शिवाणा का एक अलग से पहचान थी, चाहे वो ऐतिहासिक हो, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो यहाँ की कला संस्कृति हो या यहाँ की कृषि हो। तो कृषि में भी ये अपने आप में एक अलग से और एक अनूठा इनका उदाहरण था। ऐसा माना जाता है कि शिवाणा के अंदर यहाँ जो फसलें होती थी वो भी इस प्रकार की उपज थी कि यहाँ के जो जीरा इस सब और अनेकों ऐसी फसलें थी जिनका डंका न केवल शिवाणा या राजस्थान में बल्कि संपूर्ण विश्व में बजता था। यहाँ का जीरा जापान, फ्रांस और जर्मनी तक इसकी एक अलग से पहचान थी। लेकिन अब जो वर्तमान की स्थिति है, उस स्थिति को अगर देखा जाए तो यहाँ शिवाणा का ये गुड़ानाड़ आज सुन्न सा हो गया है। यहाँ पानी पीने तक की समस्या हो गई है। तो आखिर ये पानी की समस्या इतनी जल्दी कैसे हो गई? यहाँ पे इतनी पैदावार आती थी, इतनी खेतियाँ होती थी, इतने फुहारे चलते थे, लेकिन 2-3 साल के अंदर पूर्ण रूप से वो जो गर्भ का पानी था वो संपूर्ण रूप से नष्ट हो गया। तो इसको लेकर हम चर्चाएं करेंगे। हमारे साथ में हैं श्याम जी भाई साहब, श्याम जी से भी बातचीत करेंगे। श्याम जी नमस्कार। नमस्ते नमस्ते सर, चलो बैठ के बात करते हैं। तो हमारे साथ में श्याम जी भाई साहब। श्याम जी भाई साहब राम राम। राम राम भाई साहब, पूछना चाहूँगा कि यहाँ जो पहले पानी की जो बताते हैं कि गुड़ानाड़ तो एक अपने आप में अलग पहचान रखता था, मतलब कृषि के क्षेत्र में, लेकिन ये इतना जल्दी यहाँ सारा सुन्न सा हो गया, कैसे आखिर? इसका कारण यही है कि दोहन ज़्यादा हो रहा है जी, यही कारण है बिल्कुल। यानी यहाँ जो लोगों ने थोड़ी साल संभाल नहीं की और जमीन से बहुत ज़्यादा मात्रा में दोहन कर लिया। पहले यहाँ कैसी फसलें होती थी? अरंडी, जीरा और ये ज़्यादा मात्रा में। ऐसा माना जाता है कि भाई यहाँ जो गुड़ानाड़ का जीरा था वो उसकी जापान में भी अलग से पैसा। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ से जीरा जापान में भी जाता था जी। और मैंने ऐसा भी सुना है कि कोई ऐसे वो प्रतियोगिता हुई थी उसमें भी एक नंबर पे रहा था यहाँ का जीरा, और उसके भाव भी मतलब सब जीरा जहाँ अलग जितने भी जीरे होते उससे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के भाव भी आए थे उनके जी। तो आखिर श्याम जी, ये सब होने के पीछे क्या राज है या फिर क्या कह सकते हैं हम कि भाई ये पानी इतना जल्दी कम समय के अंदर कैसे दोन कर लिया लोगों ने? अब मैं यहाँ पर देख रहा हूँ महीने भर से, एक महीने के अंदर लगभग 20 ट्यूबवेल तो खुदे जा चुके हैं जी। बिल्कुल यही कारण है। लेकिन अभी खुदे जाने से भी कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि अभी तो पानी है ही नहीं भूगर्भ के अंदर, लेकिन तो भी खुदवा रहे हैं लोग, खुदवा रहे हैं, भेड़ चाल है। बिल्कुल बर्बाद भी हो रहे हैं लेकिन तो भी खुदवा रहे हैं। मतलब जनसंख्या बढ़ती गई, लोगों के पास में जो भूमि थी वो कम होती गई, आबादी के जो जो टुकड़े हुए और लोग अलग अलग होते गए, अलग अलग से उन्होंने अपने बोरवेल बनाने शुरू कर दिए और 35-35, 40-40 के पंवा वो जो पंप थे वो डाले, जिससे बहुत जल्दी कम समय के अंदर इन्होंने पानी का संपूर्ण दोहन कर लिया। लेकिन अब स्थिति ये भी है कि भाई पानी पीने की भी तो किल्लत है यहाँ पर, किल्लत है। तो पानी पीने के लिए आप कैसे क्या करते हो? टैंकर डलवाते हैं। देखिए यहाँ की जो मतलब स्थिति है वो अभी तो ऐसा माना जाता है कि भाई जो पानी पीने के लिए भी अगर बाहर से लाया जा रहा है तो कहीं ऐसा नहीं लगता कि भाई आपने जो जितना किया वो ठीक नहीं किया? ठीक तो नहीं कर रहे हैं भाई। आपने इतना सारा पानी का दोहन किया, यहाँ आपके पास में कहीं तकनीक की कमी थी या टेक्नोलॉजी की? हो सकता है भाई सिंचाई जो उपकरण की कमी रही है जी। पहले मतलब सिंचाई का माध्यम क्या था? पहले फव्वारा विधि थी। अच्छा, फव्वारा विधि से पहले? फव्वारा विधि से पहले वो बनाते थे बिल्कुल नालियों से पानी जो खेतों के अंदर सीधा छोड़ा जाता जी जी जी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मतलब उसमें भी कई लाखों टन, मिलियनों टन यानी पानी बह गया। उसके बाद में जब फव्वारा सिस्टम आया तो फव्वारा सिस्टम में भी पानी तो वैसे ही बहता था। वो भी बहता था। और आज से माना कि जैसे 10 साल पहले अगर ये ड्रिप सिस्टम ऐसा कोई अपने पास में तकनीक आई होती तो हो सकता है कि भाई ये पानी थोड़ा बहुत लंबा चलता अपने पास, हो सकता है, क्योंकि उसमें पानी की मात्रा तो बिल्कुल कम जाती है। जैसे 2 घंटे के अंदर आज जो मतलब जो ये बागवानी की फसलें लगाते अनार का मानते, जैसे यहाँ से जो 10 किलोमीटर दूर गाँवों के अंदर थोड़ा थोड़ा पानी रहा है अभी तक, जहाँ पर बागवानी खेती है उसमें क्या कह सकते हैं ड्रिप सिस्टम लगाया हुआ है, तो ड्रिप सिस्टम के माध्यम से जो पानी है उसका मतलब कम यूज होता है
अगर यहाँ पर भी ये ड्रिप सिस्टम आज से 10 साल पहले आता तो हो सकता है 10 साल तक पानी और जीवित रहता। और अच्छा, तो श्याम जी आप सरकार से कुछ कहना चाहेंगे कि ये जो सिवाना क्षेत्र है, ये सिवाना क्षेत्र मतलब अरावली पर्वतमाला की जो ये श्रृंखला है, मतलब लगभग सैकड़ों किलोमीटर तक, तो यहाँ पर्वतीय क्षेत्र है ये और नीचे सब चाली ये रेत है, तो यहाँ अगर पानी को वापस ये कुएं रिचार्ज करने का भी कोई सरकार के द्वारा अगर ऐसा कोई प्रोग्राम तय किया जाए या ऐसा कोई सिस्टम लगाया जाए जिससे पुनः इन कुओं को हम रिचार्ज कर सकें, तो आप सरकार को क्या करना चाहेंगे? पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जन जागरूकता बिल्कुल सही बात है, आपने सही कहा कि जन जागरूकता होनी बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही बात जी। और फिर बाद में यानी कट है ये जो भी जल संरक्षण के तरीके हैं जी वे अपनाए जाए। तो बिल्कुल अगर यहाँ कोई सजग व्यक्ति हैं जो बिल्कुल इस विषय के बारे में जान सकते हैं तो वो सब एक मिल करके हो सकता है उनकी एक कमेटी बना दी जाए और ऐसा प्रस्ताव हम सरकार तक पहुँचाए कि भाई अगर हो सके तो ये जो जितना भी पानी व्यर्थ में मिलियनों टन बहता है पहाड़ों का जो गिर के आता है तो वो पुनः अगर इस भूस्थल के अंदर भूगर्भ के अंदर वापस छोड़ दिया जाए तो कहीं ना कहीं ये कुएं पुनः रिचार्ज किया जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। तो ये हमारे साथ में थे श्याम जी भाई साहब, श्याम जी से हमने खूब सारी चर्चाएं की। ऐसा माना जाता है कि अगर इसमें हमारे माननीय मंत्री जी जल एवं पर्यावरण संरक्षण के जो विभाग मंत्री हैं तो अगर इस विषय का ध्यान दें कि जितना भी ये पहाड़ों का पानी बहता हुआ नालों में ये छोटे छोटे वाड़ों में ये नदियों में जाके फैसे ही फैल जाता है मिलियनों टन, अगर इस पानी को एनिकट्स बना करके उसमें कोई बोर किया जाए ट्यूबवेल करके अगर उसको वापस भूगर्भ के अंदर छोड़ा जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ पे वापस इस इन ऐसे खेतों के अंदर जान आ सकती है और यहाँ की ऐसी उपजाऊ भूमि होते हुए भी आज आप देख रहे हैं किस तरह से ये नालियाँ खालियाँ बन के रह गई, ये कुएँ सिर्फ और सिर्फ एक देखने मात्र के लिए रह गए, सारे पेड़ है जो आप देख रहे हैं शुष्क हो गए हैं सूख गए हैं। तो कहीं ना कहीं अब ऐसा प्रतीत होता है कि जो पहले का जो गांवों का ग्रामीण माहौल था वो अब ऐसा माहौल नहीं रहा। धन्यवाद।